नमस्कार आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर तो मित्रों राजस्थान के अंदर जो है बिजली विभाग के अंदर जो सूचना सहायक की जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं उसके अभी रिवीजन क्लासेज आप सभी के लिए लेके आए ठीक है ना जिसमें आपको एडवांस लेवल के जो भी टॉपिक्स बीच में रह चुके हैं तो उनके बारे में मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं और यहां पर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नेटवर्किंग के अंडर जो है आईपी और मैक एड्रेस का रहने वाला है इससे डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन हर साल जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं ठीक है और आपके जो भी इस कंप्लीट सिलेबस का जो टॉपिक्स है वो सारे के सारे एक ही प्ले में आपको अवेलेबल है तो आप उसको जरूर देखिएगा ठीक है और उसका आप जो है एक और सूचना आपको दे देता हूं उसके लिए आप अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आरवीएनएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप रिक्वायरमेंट टैब में जाइए वहां पर आपको उसके मॉक टेस्ट भी आज से स्टार्ट हो चुके हैं तो आप उसको भी जो है जरूर चेक कर लीजिएगा ठीक है तो देखिए यहां पर आपको सबसे पहले देखिए मैं आज जो है आईपी और मैक एड्रेस के ऊपर कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर आपको पढ़ाने वाला हूं जिसमें आज जो सबसे पहले हम जो है आईपी को क्लियर करेंगे उसके बाद मैक एड्रेस के बारे में डिस्कशन करेंगे तो देखिए आईपी एड्रेस के बारे में सबसे पहले हम टॉपिक को लेते हैं तो देखिए यहां पर मैं हेडिंग दे रहा हूं आपका आई एड्रेस क्या होता है आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस जो होता है प्रत्येक कंप्यूटर को दिया गया एक यूनिक एड्रेस है यानी हम किसी भी कंप्यूटर की पहचान किसके माध्यम से करते हैं आईपी एड्रेस के माध्यम से इस आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होगा ध्यान रखिएगा इस आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक है ना इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ठीक है ये एड्रेस आप अलग है ये दोनों कंबाइन है ठीक है ना इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका आईपी का फुल फॉर्म है ये क्या है प्रत्येक कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है ठीक है ना ये प्रत्येक कंप्यूटर का जो है एक लॉजिकल एड्रेस होता है ये प्रत्येक कंप्यूटर का एक लॉजिकल एड्रेस होता है जिसकी मदद से हम जो है किसी भी कंप्यूटर को आसानी से पहचान पाते हैं अगर ये लॉजिकल एड्रेस मतलब ये आईपी एड्रेस आपके पास ना हो तो आप डेस्टिनेशन कंप्यूटर के ऊपर अपना डाटा शेयर नहीं कर सकते हैं ठीक है ना तो वहां पर भी आपका जो है आईपी एड्रेस काम करता है अब सबसे पहले देखो आज अभी आईपी के लिए आईपी से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे उसके बाद इसके यूजेज क्या है ठीक है ना इसको किस किस प्रकार से यूज किया जाता है और लास्ट में हम आईपी की क्लासेस के बारे में जानने वाले हैं जिसकी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन फिक्स रहता है आने का चांस ठीक है ना तो यहां पर इंट्रोडक्शन में आपको यह आईपी का फुल नेम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ठीक है? और यह एक होता, होता प्रकार होता है जिसके माध्यम से हम उसको पहचानते हैं कि यह कंप्यूटर कहां है ठीक है ना या यह किससे रिलेटेड है ठीक है तो यह आपका आईपी एड्रेस का एक डेफिनेशन हो गया इसका मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं देखिए यहां पर इस एड्रेस को ध्यान से देखिएगा इस प्रकार का होता है आपका आईपी एड्रेस जिसको हम डॉट से सेपरेट करते हैं किससे करते हैं डॉट से सेपरेट मतलब अलग अलग करते हैं इनके बीच में जो है ये डॉट होते हैं और ध्यान रखना डॉट के बीच में देखिए डॉट के ये बीच में जो ये पार्ट होता है इसको हम ऑक्टेट कहते हैं क्या कहते हैं ऑक्टेट कहते हैं मतलब अभी आप यहां पर गिनोगे तो कितने ऑक्टेट मिलेंगे आपको एक दो तीन और चार इन पार्ट्स को हम जो है ऑक्टेट कहते हैं और इन ऑक्टेट को हम किसके द्वारा डिवाइड करते हैं डॉट्स के द्वारा ठीक है अब देखिए यहां पर आपको एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है कि इस आईपी एड्रेस की जो है इस आईपी एड्रेस की जो आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है तो देखो आईपी एड्रेस जो है वो दो वर्जन में अवेलेबल है अभी जो लेटेस्ट में वर्जन चल रहा है वो है आपका आईपी एंड सिक्स इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स और जो पहले आया था वो था आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर ये आज भी यूज हो रहा है लेकिन बहुत आयत में ये यूज हो रहा है रीजन क्या है इसके सारे कुछ मैं अभी आपको यहां पर बताने वाला हूं चलिए अब यहां पर आपको ये समझ में आ चुका है आईपी के बारे में आई एक लॉजिकल एड्रेस है जो प्रत्येक कंप्यूटर को एक यूनिकली प्रोवाइड किया हुआ होता है जिससे हम उस कंप्यूटर की यूनिकली पहचान करते हैं ठीक है अब यहां पर देखिए आप जो होता है ये आपका आईपी एड्रेस ठीक है ना इसको चार ऑक्टेट में डिवाइड किया जाता है और डिवाइड मतलब सेपरेट किससे करते हैं हम डॉट से करते हैं अब आ जाते हैं हम इस वाले टॉपिक्स पे तो इसको थोड़ा सा ध्यान देखिएगा देखिए यहां पर आईपी जो होता है ठीक है ना आईपी के दो वर्जन हैं एक तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर और एक इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर का फोर वर्जन जो होता है वो कितने बिट का होता है तो यहां पर आपका थर्टी टू बिट ठीक है अब इन इन सभी को अलग अलग समझना है भाई देखिए मैं इनको करके आपके सामने लिख रहा हूं. इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और वर्जन 6 में कितनी होती है इसमें तो इसकी लेंथ होती है आपके थर्टी टू बिट और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स की जो आपके जो लंबाई होती है लेंथ जो होती है वो होती है आपके एक सौ अट्ठाइस बिट ठीक है अब इसमें देखिए आप कितने चार ऑक्टेट हैं ठीक है ये आपके चार ऑक्टेट हैं यहां पर ये आ चुके हैं इसके अंदर कितने होते हैं आठ ऑक्टेट होते हैं मतलब जिस प्रकार से ये एड्रेस चार में लिखा जा रहा है तो आईपी वी फोर का जो एड्रेस है वो आठ ऑक्टेट में आएगा अब देखिए गिनिए पहले इसको क्लियर करते हैं हम चार ऑक्टेट होते हैं एक दो तीन और चार अब आते हैं आईपी वर्जन फोर सिक्स पे एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ ठीक है तो यहां पर यह आपका हो गया इसका ठीक है यह आईपी वी सिक्स और यह आईपी वॉर ठीक है ना अब इसमें जो रेंज होती है आईपी वी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फॉर यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये जितने पॉइंट लिखे हुए एक बस इसको छोड़ के सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो इसमें जो रेंज होती है आपके एड्रेसिंग की वो होती है जीरो टू टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव ठीक है ना जीरो से लेकर 255 तक जो है ये इसकी रेंज होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स फोर की और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स की अगर आपको रेंज पूछी जाए तो आप बताएंगे जीरो से लेकर पैंसठ जिसको एफ 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 एफ, एफ यानी फोर टाइम एफ भी कह सकते हैं ये इनके अंदर मेन डिफरेंस था अब बात आती है कि भाई आई पी वी को बनाने का रीजन क्या था तो ध्यान रखिएगा कि आई पी के द्वारा टोटल जो एड्रेस बने वो थे

तो ये आपका यहां पर हो जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स हंड्रेड परसेंट इसको याद करना याद करके जाना है इससे फोर मिलियन जो है आपके एड्रेस जनरेट हुए इससे थ्री हंड्रेड फोर्टी ट्रिलियन जो एड्रेस है वो जनरेट किए जा चुके हैं तो ये आपके इनका अंदर डिफरेंस है और यहां पर से क्वेश्चन आपके 100 परसेंट आएगा इसलिए याद करके जाइएगा इसको ठीक है ना इसकी लेंथ 32 बिट उसकी 128 बिट इसकी आपकी ऑक्टेट जो होते हैं वो चार बिट के होते हैं सॉरी ऑक्टेट जो होते हैं वो चार होते हैं और यहां पर आपको एट बिट को देखने को मिल जाएगा ठीक है ना अब देखिए यहां पर यहां पर देखिए आप इसकी जो रेंज है वो है आपका जीरो से लेकर दो सौ पचपन जीरो से लेकर पैंसठ हजार पांच सौ पैतीस तक ये क्लास में आपके जब हम क्लास पढ़ेंगे तो उसमें आपका क्लियर होगा ये आगे अभी जो जो है है इसके इसके बारे में आएगा आगे। अब यहां पर एड्रेस टोटल एड्रेस इससे जो है फोर बिलियन जनरेट हुए हैं जबकि इससे थ्री हंड्रेड फोर्टी ट्रिलियन एड्रेस जो है वो जनरेट किए जा चुके हैं इसका एग्जाम्पल आपके सामने है इस प्रकार का दिखता है आपका आईपी वी फोर एड्रेस और आईपी वी सिक्स एड्रेस इस प्रकार का दिखता है, है ठीक ना? अब मेन और के अंदर मैंने लिखा नहीं यहां पर तो आईपीवी फोर को जो है आईपी वी इसको जो है हम एक डॉट के द्वारा सेपरेट करते हैं जबकि इसको जो है हम कोलन के द्वारा सेपरेट करते हैं, देखिए यहां पर ये रहे देखो कोलन यहां पर ये कोलन तो हम इसके थ्रू जो है इनको सेपरेट करते हैं चलिए अब यहां पर ये टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं इंट्रोडक्शन और आपका एक ये डिफरेंस ठीक है ना आईपीवी और आईपी फोर, वी फोर टाइप्स मतलब आप मान सकते हैं आईपी के अब बात आती है कि आईपी को किस किस रूप में या किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है तो आईपी को हम बेसिकली जो है दो तरीके से यूज कर सकते हैं ठीक है ना आईपी को दो तरीके से यूज किया जा सकता है तो कौन कौन से तरीका है तो देखिए आईपी को यूज करने का तरीका आईपी दो तरीके से यूज होता है एक होता है आपका प्राइवेट एक होता है पब्लिक मीन एक प्राइवेट प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है होता क्या है इनके अंदर मेन डिफरेंस देखिए आईपी सॉरी प्राइवेट आईपी जो होता है वो आपके व्यक्तिगत कार्यों के लिए या कोई एक अपना पर्सनल आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस आपको यूज लेना पड़ता है अगर आप पब्लिकली किसी आईपी एड्रेस के ऊपर अटैक करके वहां से कुछ डाटा के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको आपके ऊपर जो है कल को वो कोई भी मुकदमा कर सकते हैं केस कर सकते हैं इसलिए बोला जाता है कि आप जो है प्राइवेट एड्रेस का यूज करके अपने लोकल जो है लोकल सर्वर के ऊपर आप जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो वो आपका प्राइवेट आईपी होता है पब्लिक आईपी जो होता है वो ये एड्रेस होता है जिस जिसकी मदद मतलब से आप इंटरनेट के ऊपर डाटा को जो है शेयर करते हैं ट्रांसमिट करते हैं सर्च करते हैं एक्सेस करते हैं तो उसमें जो है आपका पब्लिक आईपी यूज होता है जिसमें आप मान लीजिए कि, कि दो या दो से अधिक नोड या डिवाइसेस के मध्य मतलब आप अपने कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वहां पर भी आपका आईपी आएगा ठीक है ना मैंने आपको प्रोटोकॉल्स पढ़ाए थे टीसीपी आईपी तब मैंने आपको बताया था कि आईपी जो होता है डेस्टिनेशन का एड आईपी एड्रेस नहीं हो तो तब तक अपना डाटा वहां शेयर नहीं कर सकता है तो वो चीज जब बाहर चली जाती है तो वो आपके पब्लिकली हो जाती है तो यहां पर अपना इंट्रोडक्शन और यूजेज हो चुका है अब हम जानेंगे क्लासेज के बारे में एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम जो है इसमें क्लासेज के बारे में देख लेते हैं तो देखिएगा अब यहां पर हम जो है आईपी क्लासेस के बारे में डिस्कस करने वाले और आईपी से रिलेटेड ये लास्ट टॉपिक है उसके बाद हम मैक एड्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे तो देखिए आपके सामने एक टेबल बनी है जिसके माध्यम से आप क्लासेस आसानी से समझ पाएंगे और जल्दी समझ पाएंगे देखिए मैंने यहां पर तीन कॉलम बनाए हैं एक तो क्लास का उसके बाद यहां पर रेंज कहां से कहां तक होती है और उसका साथ में एक एग्जाम्पल भी रखा है ठीक है तो इसको ध्यान से समझिएगा भाई इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस फुल है तो सबसे पहला मैं लेता हूं क्लास ए क्लास ए का जो रेंज होता है ठीक है ना अब इसमें एक बहुत ही शानदार चीज याद रखनी है जितने भी मैं एड्रेस बता रहा हूं तो उसको कंपेयर करना आपको फर्स्ट ऑक्टेट से ये फर्स्ट ऑक्टेट जो है इसको ध्यान में के करना है सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं यहां जाने से पहले कि शुरू की जो तीन क्लास होती है ए बी और सी वो अलॉट होती है नॉर्मल यूजर के लिए ठीक है ना ये नॉर्मल यूजर के लिए अलॉट होती है और लास्ट की जो दो, दो क्लास है वो आपके स्पेशल यूजर के लिए होती है जो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा तो देखें यहां पर आ जाते हैं हम नॉर्मल यूजर की क्लासेस के अंदर तो ए वाली क्लास के अंदर आपका जो रेंज होता है वो जीरो से लेकर 126 के बीच में होता है यहां पर आपके सामने एक एड्रेस है जिसकी स्टार्टिंग यानी जिस एड्रेस की स्टार्टिंग जीरो से लेकर 126 के बीच में होती है वो आपका क्लास ए का एग्जाम्पल होगा या क्लास ए का आईपी एड्रेस होगा यहां पर देखिए 125 सौ यहां पर 120 आ सकता है निन्यानवे आ सकता है इस प्रकार से यहां पर एड्रेस होता है जीरो से लेकर 126 के बीच में जो एड्रेस स्टार्ट होगा वो क्लास ए की श्रेणी में आएगा आगे देखिए क्लास बी को तो क्लास बी की जो श्रेणी है वो एक से शुरू होती है और एक सौ पर समाप्त हो जाती है और यहां पर देखिए आपके सामने उदाहरण आ रखा है आप यहां पर चाहें तो इसका भी उदाहरण ये भी रख सकते हैं जैसे मैंने अगर यहां पर लिखा होता वन नाइन जीरो तो भी ये इसका उदाहरण होता क्योंकि ये एक से लेकर एक सौ इक्यानवे के बीच में आ रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे का नेक्स्ट आपका एड्रेस है एक से लेकर दो के बीच में जो एड्रेस आएगा 192 से लेकर 232 के बीच में जो एड्रेस आएगा आईपी एड्रेस ये शुरू का फर्स्ट ऑक्टेट वो आपके किसके बीच में गिना जाएगा क्लास सी के बीच में गिना जाएगा यहां पर 200 हो सकता है 205 हो सकता है 224 नहीं हो सकता ध्यान रखना 232 तक जो रेंज है वो फिक्स रेंज है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा तो ये क्लास है तो ये नॉर्मल यूजर के लिए ठीक है ना क्लास ए में 0 से 126 एड्रेस आपके सामने है क्लास बी का मतलब फर्स्ट का ऑक्टेट हमेशा आप ध्यान रखो फर्स्ट का ऑक्टेट आपको जीरो से एक सौ छब्बीस के बीच मिल रहा है तो वो आईपी की क्लास ए होगी एक सौ अट्ठाईस से एक सौ इक्यानवे तक आ रहा है तो वो एक सौ ये आपका एड्रेस आ गया एक सौ अट्ठाईस से इक्यानवे के बीच में आएगी या इक्यानवे भी आ जाता है तो वो क्लास बी का उदाहरण होगा इसी प्रकार से क्लास सी में आ जाता है तो एक सौ बारानवे से लेकर दो सौ तेबीस तक होता है तो वह आपके सी क्लास की श्रेणी में आएगा अब एक चीज आपने नोटिस की होगी जिन जिन्होंने नोटिस की है वो कमेंट बॉक्स में इसके अंदर आपने एक चीज इंपॉर्टेंट रूप से क्या नोटिस की है जो ध्यान से पढ़ रहा है या जिसको समझ में आ रहा है वो बताइए चलिए तो यहां पर जिन्होंने चीज का ध्यान दिया होगा वो यहां पर उन्होंने बताया होगा या मैं आपको बता रहा हूं कि आपने यहां पर देखा जीरो से एक तो आ रहा है और यहां से सीधा एक आ रहा है तो एक कहां गया भाई एक वाला जो एड्रेस था वो कहां चला गया है तो ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर के अंदर एक प्राइवेट एड्रेस भी होता है मैंने आपको पहले भी बताया था आईपी दो प्रकार के हैं एक तो आपका पब्लिक प्रकार का एक प्राइवेट प्रकार का जिसमें प्राइवेट मैंने बोला था आपके खुद के पर्सनल अगर आप को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो वहां पर आप उस एड्रेस का यूज करेंगे वो एड्रेस कैसा होता है 127 वाला एड्रेस किस प्रकार का होगा भाई देखिए तो 127 वाला एड्रेस आपका कुछ इस प्रकार का होगा 127.0.0.1 ये होता है आपका प्राइवेट प्रकार का एड्रेस ध्यान रखिएगा ये एक ही है जो प्राइवेट प्रकार का एड्रेस है अब ये बनाया क्यों गया है अगर आप कोई पर्सनल जैसे आप कोई नेटवर्किंग सीख रहे हो कोई हैकिंग को कोर्स कर रहे हो हैकिंग से रिलेटेड कोई वर्क करना या कोई आप एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हो तो आपके लिए ये एड्रेस जो है अलॉट किया होता है कंप्यूटर के द्वारा जिसके ऊपर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसका कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है आपको ना ही आपके ऊपर कोई क्लेम या केस वगैरह होता है लेकिन ध्यान रखिएगा एक के अलावा कोई भी ऑक्टेट के जो ये वैल्यूज है

तो इस प्रकार के जो एड्रेस होते हैं वो आपके मल्टीकास्टिंग कार्यों के लिए यूज होते हैं मल्टीकास्टिंग जो कार्य होते हैं उनके लिए यूज होता है क्लास डी और लास्ट आपका बचता है क्लास ई e तो इसकी रेंज होती है 240 से लेकर 255 तक ठीक है और इस प्रकार के आईपी एड्रेस क्यों जनरेट किए जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो वर्क होते हैं रिसर्च या डेवलपमेंट जो वर्क होते हैं रिसर्च या डेवलपमेंट ये देख रिसर्च और डेवलपमेंट के जो वर्क होते हैं उनके एक्सपेरिमेंट के लिए जो है आपका क्लास ई e का जो होता है आईपी एड्रेस वो यूज किया जाता है तो यहां पर अपना आईपीएड्रेस का जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है वैसे मैंने आईपी जो है प्रोटोकॉल का भी बताया था उस टाइम आज जो है हमने आईपी का क्लियर कर चुके हैं ठीक है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी उसके बाद हम जो है मैक एड्रेस के बारे में डिस्कस करते हैं जल्दी से स्क्र... स्क्रीन शॉट ले लीजिए अब देखिएगा आईपी के बाद आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक मैक ठीक है मैक एड्रेस का सबसे पहले आप इसका जो है फुल फॉर्म याद रखेगा मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है वो फुल फॉर्म है किसका मैक का मैक एड्रेस का एग्जाम्पल आपके सामने रख रखा है ठीक है ना अब इस एड्रेस को ध्यान से देखेगा इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ये टोटल बारह डिजिट है देखिए दो चार छ आठ दस और बारह ठीक है अब इसको जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसकी डिटेल्स निकालने के लिए तो देखिए फर्स्ट पार्ट ये एंड सेकेंड पार्ट ये अब आप बोलेंगे इसको अलग अलग पार्ट में हम क्यों डिवाइड करते हैं इसको जानने से पहले यह चीज जान लीजिए कि मैक एड्रेस जो होता है उसको हम फिजिकल या हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं क्या कहते हैं फिजिकल या हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं अब ये क्या होता है तो ध्यान रखिए कि जिस प्रकार प्रत्येक कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस एलोक अलॉट होता है उसी तरीके से उनको एक मैक एड्रेस भी दिया होता है इवन आपके पास अभी जो आप मोबाइल से मुझे देख रहे हो उस मोबाइल के अंदर भी एक मैक एड्रेस है ये मैक एड्रेस बहुत ही काम की चीज है याद रखेगा मैक एड्रेस जो होता है आपका डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस है यानी आपका जो हार्डवेयर है उसका एड्रेस है कल को अगर आपका मोबाइल गुम हो जाए आपका कंप्यूटर गुम हो जाए लॉस्ट हो जाए तो उसको ट्रैक करने के लिए आपका जो है मैक एड्रेस काम में लिया जाता है इसलिए आपका जो है आप जब नया मोबाइल परचेज करते हो कंप्यूटर परचेज करते हो उसके जो है वहां पर डेस्क्रिप्शन में आपको मैक एड्रेस भी लिखा हुआ मिलता है कुछ इस प्रकार से एड्रेस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं मैं आगे आने वाले अभी थोड़ी देर बाद में जो है बता रहा हूँ तो यहाँ पर एक चीज आपको यह ध्यान रख लेनी है कि मैक को फिजिकल या हार्डवेयर एड्रेस के रूप में भी जाना जाता है ठीक है और यहाँ पर देखिए आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अब आपको यहाँ पर कुछ ट्रिक्स भी सीखने को मिलेगी कि देखिए जब आपका मैक एड्रेस होता है उसके शुरू के जो जो शुरू का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें ये तीन ऑक्टेट आते हैं ये जो है आपको बताते हैं M के बारे में और यह बताते हैं एस के बारे में मतलब इसका मतलब होता है मैन्युफैक्चर यानी आप जो डिवाइस यूज कर रहे हो उसको किस कंपनी ने बनाया है आप जो अभी यूज कर रहे हो डिवाइस मोबाइल जो भी वो किस कंपनी ने बनाया है वो बताता है ये फर्स्ट पार्ट सेकेंड जो पार्ट होता है वो आपका बताता है एन सर्विस के बारे में आप कौन सी एन सर्विस यूज कर रहे हो उसके बारे में बताता है एनआईसी स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ठीक है तो ये दो चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है अब देखिए एक आईपी मैक एड्रेस होता है उसके तीन प्रकार के फॉर्मेट हो सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं तीन फॉर्मेट तो देखिए आप यहां पर ये मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर मैन्यूफैक्चर ठीक है और यहाँ पर आ जाएगी आपकी सर्विस 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 इसी प्रकार से एक दूसरा एडस प्रकार हो सकता है फॉर्मेट है वो देखिए आप मैन्यूफैक्चर डैश मैन्यूफैक्चर डैश मैन्यूफैक्चर डैश सर्विस डैश सर्विस डैश सर्विस और एक जो लास्ट एड्रेस टाइप बनता है वो इस प्रकार का होता है जो है इस प्रकार का मैन्युफैक्चर 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 डॉट मैन्युफैक्चर 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 डॉट सर्विस 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 डॉट सर्विस 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 ये होते हैं बेसिकली आपके एक मैक एड्रेस के प्रकार यानी मैक एड्रेस का ये फॉर्मेट है ठीक है यहां पर इनमें से किसी भी प्रकार का आपको जो है मैक एड्रेस जो है देखने को मिल सकता है ये तीनों अलग अलग क्लासेस के हैं ये क्लास ए ये क्लास बी और ये क्लास सी का होता है ठीक है तो यहां पर ये चीज आपको ध्यान रखनी हमेशा अब मैं आपको कुछ एक ट्रिक्स सिखाता हूं ठीक है आप अपने मोबाइल्स का ठीक है ना आप अपने मोबाइल्स का आईपी सॉरी मैक एड्रेस के थ्रू जो है डिटेल कैसे निकाल सकते हैं आप अभी जो मोबाइल यूज कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद ठीक है ना इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल के सेट मतलब ये प्रैक्टिकल करेंगे तो बेसिकली आपको जो है याद हो जाएगा कंफर्म है ये याद हो जाएगा आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाइएगा ठीक है उस सेटिंग्स के अंदर देखिए ये मोबाइल की सेटिंग्स जो होती है इसके अंदर आप जाइएगा अबाउट फोन में जहां पर आपके मोबाइल या हाँ जहाँ पर आपके मोबाइल के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन सेव्ड होती है वहाँ जाने के बाद आपको एक स्टेटस नाम का ऑप्शन मिलेगा इसको क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपको जो है एक मैक एड्रेस जो है शो so हो रहा होगा कुछ इस प्रकार से ठीक है ये मैं यहाँ पर स्टार बना रहा हूँ मतलब आपके यहाँ पर कुछ डिजिट आएंगे ठीक है ना तो आपको उन डिजिट को ध्यान रखना है अब आपको क्या करना है ये शुरू के ये जो शुरू के तीन जो ऑक्टेट है इनको याद कर लेना है या कहीं कॉपी कर लीजिए अपने पास में इट इज बीच में कोलन भी आने चाहिए साथ में ठीक है ना तो एज इट इज आपको याद कर लेना है पहली बात तो अब आपको क्या करना है अपना गूगल क्रोम जो है उसको ओपन करना है सेटिंग्स में जाकर अबाउट फोन में स्टेटस में मैक एड्रेस को पता कर लिया शुरू के तीन ऑक्टेट अब आप जाइए मैक एड्रेस के लिए जो है आप अपने आ, क्या बोलते हैं गूगल क्रोम को ओपन कीजिएगा उसमें आप एक वेबसाइट को सर्च कीजिएगा डीएनएस चेक डॉट डीएनएस

कौन सी कंपनी है जैसे ओप्पो है एम है नो क्या है तो उसकी डिटेल्स आपको इसके नीचे मिल जाएगी। एक और चीज ध्यान रखना अगर किसी का मैक एड्रेस वहां पर शो नहीं हो रहा ब्लैंक पड़ा है तो आप ऊपर से वाईफाई ऑन कीजिएगा अब यहां पर ये क्या माजरा इसका तो मैक एड्रेस आपका काम कहां पर आता है फिजिकली किसी दूसरे कनेक्ट डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए आपका अगर शो हो रहा है तो अच्छी बात है नहीं तो आप ऊपर से जो है वाईफाई को जैसे ऑन करेंगे तो आपका मैक एड्रेस शो हो, हो रहा होगा और ध्यान रख लेगा आपका ब्लूटूथ एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों हमेशा सेम होता है आप भले अभी जाके प्रैक्टिकल करके इसको देख सकते हो मैक एड्रेस और ब्लूटूथ जो एड्रेस होता है वो दोनों के दोनों सेम होते हैं ये जो होता है किसी डिवाइस को ट्रैक करने के काम आता है साथ ही आपका डिवाइस जो है आपके जैसे कोई वाई का कोई नेटवर्क कनेक्ट हो रखा है जैसे ये वाई नेटवर्क है ठीक है यहां पर जैसे ये राउटर लगा रखे हैं हमने ठीक है इस एड्रेस से जो इस वाईफाई से जो है एक ये डिवाइस जुड़ रखा है ठीक है एक ये डिवाइस जुड़ रखा है यहां पर अब यहां पर अगर कोई बीच में अनऑथोराइज यूजर है ठीक है ना अनऑथोराइज कोई यूजर है और वो यहां पर जो है इसके बीच में कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है इस वाईफाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको भी जो है ब्लॉक कर सकते हो किसकी मदद से मैक एड्रेस की मदद से तो ये कुछ चीजें जो थी वो मैक एड्रेस की थी प्रैक्टिकल करके देखेगा मजा आएगा अब देखे कंप्यूटर में अगर आपको मैक एड्रेस के बारे में पता करना है तो सिंपल सा कमांड है आप सबसे पहले आप जो है विंडोज सॉरी विन की प्लस आर दबाएंगे तो आपका रन बॉक्स आ जाएगा इस रन बॉक्स में आपको जो है यहां पर एक कमांड टाइप करना है सी एम डी जिसको बोलते हैं आप कमांड प्रॉम्प्ट इसको एंटर करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी कमांड प्रॉम्प्ट की वहां पर आपको एक कमांड देना है आई पी कॉनफिक स्लैश ऑल जैसे एंटर करेंगे तो वहां पर आपको मैक या फिजिकल एड्रेस लिखा हुआ आएगा तो ये फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस सेम होता है और उसमें भी आप शुरू के जो है तीन ऑप्टेटिक कॉपी कर लीजिएगा आप और आपको जो है वहां पर उसकी भी डिटेल्स मिल जाएगी तो आज का वीडियो बेसिकली आपको बहुत ही शानदार लगा होगा और अच्छा लगा है तो जल्दी से इसको लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सूचना शाई कि जितनी क्लासेज है सारी की सारी ज्वाइन करते रहे साथियों टाइम टू टाइम और आप अपनी तैयारी करते रहे आज जो जितना भी पढ़ाए उसको प्रैक्टिकल भी जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी जरूर बताएगा कि इसके थ्रू हम ये ये चीजें कर सकते हैं ये आपके बेसिकली बहुत काम आएगी जब कोई आपका डिवाइस लॉस्ट हो जाएगा ठीक है और नेक्स्ट हम जो है नेटवर्क के ऊपर जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसकी क्लासेज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिएगा इसी के साथ मैं संपत लेड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूं जय हिंद जय जै भारत